हेलो एंड वेलकम, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा था, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली को। कैसे इटली यूनाइट हुआ, इसमें किन किन लोगों ने भागीदारी निभाई थी, ठीक है। पीछे आपको जर्मनी के अंदर तीन पॉइंट याद रखना था कि 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट स्टार्ट किए थे वहाँ पे काम को। उसके बाद ये जर्मनी को यूनाइट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई ओटोमन बिस्मार्क को, जो कि चीफ मिनिस्टर थे जर्मनी के, ठीक है। उन्होंने लड़ाई लड़ा था प्रशियन आर्मी के साथ और ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिल करके, किसके खिलाफ? तो DF यानी डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के खिलाफ, ठीक है। फाइनली उनकी विक्ट्री होती है, वो जीतते हैं और जनवरी 1871 के में केसर विलियम फर्स्ट को वहाँ का इम्परर घोषित किया जाता है, ठीक है। और इम्परर बनने के बाद उन्होंने किन किन क्षेत्रों में अच्छा काम किया, तो लीगल में, करेंसी में और बैंकिंग कमर्शियल सेक्टर में उन्होंने बेहतरीन काम किया, इसको सुधार किया, मॉडर्नाइजेशन पे काम किया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आज हमारी बारी है यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज़ों को आपको ध्यान से रखना है, क्या क्या है। आप पहले आप एक बार फिगर देखिएगा, पेज नंबर 21 का फिगर नंबर 14, पेज नंबर 21 का फिगर नंबर 14 आपके सामने फिगर ऐसा होगा, है ना। देखिए इस फिगर में देखिएगा, ये है सार्दानिया पीडमोंट, ये है सार्दानिया पीडमोंट, ये है बीच वाला पेपल स्टेट मतलब पोप के द्वारा, ठीक है। और ये है आपको ये वाला ऊपर, ये पेपल स्टेट, नीचे किंगडम ऑफ बोथ सिसिली, और ये है एम्पायर जो है ये ऑस्ट्रिया, ये हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर। अब क्या है, मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, तीन क्षेत्रों में डिवीज़न हो रखा था। अगर आप देखिए तो इटली का टाइप का बीच में पेपल स्टेट था मतलब पोप के द्वारा चलाया जाता था, नीचे किंगडम ऑफ बोथ सिसिली मतलब ये स्पेन का किंगडम था, ठीक है। और ये किंगडम था आपको नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है ना, हैब्सबर्ग एम्पायर। अगर ये बात करें तो ये नॉर्थ में हो गया, ये साउथ में हो गया और ये सेंटर पोर्शन में हो गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है छोटा सा हिस्सा सार्दिनिया पिडमोंट का, सार्दिनिया पिडमोंट का केवल इसी हिस्सा में इटली का राज था, केवल इसी हिस्सा में इटली का राज था। अब ये पूरे इटली को यूनाइट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई किसको, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को, ठीक है। जैसे वहाँ पे केवल ओटोमन बिस्मार्क थे, वो सारे काम को खुद किए। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में ये कैवर मिनिस्टर था, कैवर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, जैसे चीफ मिनिस्टर वहाँ था तो चीफ मिनिस्टर कैवर। उसके बाद यहाँ पे सौंपी गई जिम्मेदारी गुसुपी गारिबाल्डी, एक और रिवोल्यूशनरी हमने पढ़ा था पीछे लेक्चर में गुसुपी मजनी, जो कि इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे, वो भी गुसुपी गारिबाल्डी, उसी के साथ में ये भी काम किए थे, ठीक है ना। हम इनके बारे में पहले पढ़ेंगे गुसुपी गारिबाल्डी के बारे में, फिर हम आगे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक नाम आता है, पहले ये दोनों नाम पे ही काम करते हैं, तो पहले हम कहानी पढ़ते हैं फिर इंडिविजुअल इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इटली का जिम्मेदारी, इटली चूंकि अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ था, ठीक है, 1838 में गुसुपी मजनी क्या किए, पहली बार वो विद्रोह किए थे, उसके बाद फिर 1848 में, ठीक है, इस तरह से वो विद्रोह चलता रहा, लेकिन वो कोई सफलता हाथ नहीं लगा। बाद में विक्टर इमैनुअल जो थे वो इसका जिम्मेदारी संभालते हैं, विक्टर इमैनुअल टू, जो कि सार्दिनिया पिडमोंट के राजा है, इटली के राजा है, वो बोलते हैं चलिए ठीक है अब हम यूनाइट करने का काम करेंगे, और इसका जिम्मेदारी सौंपा जाता है
चीफ मिनिस्टर कैवर को, जो कि मूवमेंट को लीड करते हैं किस एरिया में, नॉर्दर्न इलाका में, क्योंकि वहाँ पे कौन है नॉर्दर्न इलाका में कौन सा है, तो हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग एम्पायर है। अब ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग एम्पायर है, तो कैवर को है ना फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छा से बोलने आता था, तो फ्रेंच लैंग्वेज अच्छा से बोलने के आने के कारण वो डिप्लोमेटिक ढंग से वहाँ पर बहुत मजबूत पड़ रहे थे, तो उन्होंने इसका लीड किया। और क्या हुआ, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैवर वॉज अ रिवोल्यूशनरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रॉन्ग रिगार्डिंग हिम, ठीक है ना। तो कैवर वॉज ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग तो रॉन्ग रिगार्डिंग हिम, तो क्या रिवोल्यूशनरीज नहीं थे ना कि वो डेमोक्रेट्स थे, ठीक है, वो क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, ना किसी से ताल्लुक नहीं रखते थे। ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन इटालियन, ही हैड, मतलब वो इटालियन थे लेकिन वो क्या बोलते थे, फ्रेंच बहुत अच्छा बोलते थे, और वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज का वर्चस्व था ऊपर वाले नॉर्दर्न इलाका में, तो इनका जिम्मेदारी सौंपा गया और फाइनली वो क्या किए, ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को हराने में कामयाब हो गए। कब हराए, 1859 में, 1857 में भारत में विद्रोह हुआ था ना, वहाँ से याद रखिए कि 2 साल बाद, ठीक है ना, 2 साल बाद वो हरा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1868 में गुसुपी गारिबल्टी साउथ की तरफ मार्च करते हैं, ठीक है, विद द रिवोल्यूशनरीज के साथ, ठीक है ना, और लोकल पीजेंट्स के साथ, गारिबल्टी लोकल पीजेंट के साथ 1859 में जीत के बाद ये भी खुश होकर 1860 में इसकी तरफ, साउथ की तरफ कूच करते हैं। और एक टर्म आता है ला टालिया, ठीक है, बोलते हुए जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ आर्मी सब अगर लड़ाई लड़ जाता, सबका अपना अपना ये होता है, कोई दुर्गा माता की जय, बॉर्डर फिल्म आपने देखा होगा, कोई कुछ भी जय माता दी, कोई जय भवानी, कोई वाहेगुरु का वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह, सबका अपना अपना टोन है, कुछ भी बोलते हैं, तो सेम चीज वहाँ पे ला टालिया करके बोलते हुए ये साउथ की तरफ कुछ किए, कौन, गुसेपी गारिबाल्डी विद दी पीजेंट्स, लोकल पीजेंट के साथ वो लोग कुछ किए। अब वहाँ पर भी जीत हो गया 1860 में, ठीक है, और फाइनली 1861 के अंदर में विक्टर इमैनुअल को, 1861 में विक्टर इमैनुअल को क्या बना दिया गया, वहाँ का यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। ला टालिया मैंने बताया, ला टालिया क्या था, ला टालिया मतलब इटली में, ला टालिया का मतलब क्या था, वो बोलते थे इटालिया, ठीक है ना, वो इटालिया बोलते थे, लेकिन ला टालिया पीजेंट्स वाले, चूंकि पीजेंट्स जो वर्ग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इटालिया को लोग ला टालिया समझ रहे थे। ला टालिया का मतलब वो लोग क्या समझे कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय की क्या है, वो बीबी है, जिसको स्पेन के किंगडम ने किडनैप कर लिया है, और ये इस सोच में कि हमारी रानी को छुड़ाना है, उस रानी को छुड़ाने के लिए वो लोग कुछ किए थे इसमें, ठीक है, ये कहानी हुआ था। आशा करता हूँ आपको ये इटली का यूनिफिकेशन समझ में आया होगा, उसके पहले आपको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर हम गुसेपी गारिबाल्डी के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, चीफ, पेज नंबर 21, चीफ मिनिस्टर कैवर लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर अ रिवोल्यूशनरीज नॉर अ डेमोक्रेटिक। ये केवल आपको पढ़ने के लिए है, आंसर वही लिखिएगा जो लिखाया जाएगा। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। With the tactful diplomatic alliance with the France engineered by Kever, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Australian force in 1859. Agla point, uske niche, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. In 1868, they marched into the South Italy and the Kingdom of the Boat to Sicily, and succeeded in winning the support of the local peasant in order to give the drive out Spanish ruler. Spanish ruler ko hatane mein wo kamyab ho gaya. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of the United Italy. अब इलिटरेसी रेट इतना हाई था कि जो पीजेंट्स है उनको लिबरलाइजेशन आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है ना। ला टालिया वॉज अ विक्टर इमानुएल्स वाइफ। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप गुसेपी गारिबाल्डी के बारे में पढ़ते हैं, पेज नंबर 22, बॉक्स 2। गुसेपी गारिबाल्डी क्या थे, उनका भी जन्म जिस तरह 1807 में
गुसुपी मजनी का हुआ था, इनका भी जन्म सेम 1807 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये भी क्या थे, इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे, ये भी क्या थे, इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे, गुसुपी गारी बल्ली, ये भी इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे। उसके बाद इनका जन्म 1807 में हुआ, ठीक है। ये मिटनी मजनी से मिले थे कब, 1838 मजनी से मिले थे, और 1834 में, 1834 में जो रिपब्लिकन अपराइजिंग हुआ था, मतलब विद्रोह जो हुआ था पिडमोंट के अंदर, उसमें ये पार्ट लिए थे, ठीक है, पार्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, यंग इटली जो उनका गुसुपी मजनी का था संस्था, उसके मेंबर भी बने, और 1868 के अंदर में विक्टर इमानुएल्स को ये क्या किए, साउथ पोर्शन जिताने में मदद की, जो कि कौन था, किसके कब्जा में था, किंगडम ऑफ स्पेन के कब्जा में था, किंगडम ऑफ स्पेन के कब्जा में था, ठीक है, उसको जिताने में ये बहुत मदद किए। और एक बात आप लोगों ने सोचा होगा कि सर पेपल स्टेट क्या हुआ, पेपल स्टेट जो सेंटर वाला था, हम तो नॉर्थ ही जीते थे, साउथ ही जीते थे, तो पेपल स्टेट को क्या हुआ कि पेपल स्टेट वो जब देखा कि पोप की जब ये इतना बड़ा साम्राज्य हार गया तो हम किस खेत को मूली है, वो स्वतः छोड़ दिया, ठीक है ना, वो स्वतः छोड़ दिया और एक नए इटली का फॉर्मेशन हुआ। आशा करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ा आ रहा होगा, क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मैं और बेहतर बना सके, क्योंकि मेरा और आपका देश क्या है, हिस्ट्री का भूत भगाना है तू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।